चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फिर से एक और बार सिल्वर के ऊपर। सिल्वर ने कल जो है वो काफ़ी तेज़ उछाल जो है वो वापस से दिखाया था। हमने लेवल डिस्कशन किया था 73,100 से लेके 73,200 का, कि अगर सिल्वर लेयर लेवल के ऊपर चल पाता है तो फिर हमें शॉर्ट से बचना चाहिए, और अगर आपके शॉर्ट के भाव आते जाते हैं तो फिर हमें शॉर्ट से जो है वो दूर रहना चाहिए और निकलते जाना चाहिए। और ठीक उसने ऐसा ही किया, और सिल्वर ने बहुत सारे दोस्तों को निकलने का मौका दिया था, लेकिन बहुत सारे दोस्तों का नेगेटिव व्यू रहा होगा तो वो नहीं निकल पाए होंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है ये चर्चा कर लेते हैं आगे। कल का जो एक तेज़ उछाल लगातार दो दिन से जो है वो उछाल हुआ, परसों जो उछाल किया था वो उसने कैंसिल कर दिया, लेकिन कल जो है वो क्लोजिंग भी ऊपर किया है। तो आज जो है वो अगर 73,850 लगभग हम मान के चलते 73,900 ये लेवल के ऊपर अगर चलता है तो ये तेज़ी जो है वो और आगे बढ़ सकती है, और तेज़ जो है वो चांदी हमें देखने को मिल सकता है। फिर जो है वो धीरे धीरे करके 75,000 78,500 और फिर उसके ऊपर तो आप जानते ही हो कि 80,000 85,000 के लेवल जो है वो हमें चांदी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, हमें ध्यान रखना चाहिए, शॉर्ट से दूर रहना चाहिए। अब सिल्वर में नीचे का जो सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 72,800। अब ये लेवल के ऊपर जो है वो अब हमें ध्यान रखना है। तो 72,800 का जो लेवल है वो अगर नीचे की तरफ काट देता है तो फिर हमें वापस से थोड़ी सी गिरावट का सामना करना पड़ सकता है, जो कि वही वाले लेवल आते हैं 70,000 के आसपास। लेकिन जब तक ये 73,000 के ऊपर रुका हुआ है तब तक उसका ट्रेंड जो है वो बरकरार माना जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पहली बार आए हो तो जो है वो आपको बता देता हूँ कोर्स के बारे में भी। अगर आप सीखना चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो लिंक ओपन करके सपोर्ट रेजिस्टेंस आप देख सकते हो, समझ सकते हो और सीख सकते हो, अपना ट्रेड करें दोस्तों। उससे पहले एक बार अपने एडवाइजर से ज़रूर बात कर लीजिएगा। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।